तो दोस्तों ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर जहाँ पर डे विजिटर्स का रजिस्ट्रेशन हो रहा है। दोस्तों ये है आर्मी की एग्जीबिशन जहाँ पर जो सोल्जर्स के सभी व्हीकल्स को आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अब हम आगे मूव करते हैं और अब हम आए हैं अलग अलग जैसे स्टेट की जो एग्जीबिशन है वो देखने। तो ये सबसे पहले आपको जो एग्जीबिशन देख रही है ये सदर्न रेलवे जोन की एग्जीबिशन है जिसमें आपके इनका म्यूज़िक भी सुनाई दे रहा होगा। और ये नेक्स्ट एग्जीबिशन है ये उत्तराखंड स्टेट की है जिसे कि आप ये देख रहे हैं इनका कितना ब्यूटीफुल इन्होंने बनाया हुआ है। ये एग्जीबिशन भी उत्तराखंड स्टेट से ही है और जैसे कि आप देख सकते हैं ये यहाँ पे इनका जो लोक नृत्य है यानी फोक डांस है वो यहाँ पे परफॉर्म किया जा रहा है। Yes. Yeah. So thousands of years ago, the trees are buried under the earth. Some of the trees and animals are converted into coal and petroleum. Here in the Pondicherry area, the trees buried under the near the Auroville area. These trees are converted into stone rocks. This is fossils. It's called a fossil. काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और अभी देखते हैं और किसे बात काफ़ी सारे हैं पीछे दिखाना यार। बांग्लादेश स्काउट है, बांग्लादेश बॉल गाइड है और अरिना इन सब ठीक है। अभी मैं और विदेश वाले बच्चों से बात करता हूँ और कोशिश करता हूँ आपसे बात। तो दोस्तों अब हम एरिना के बाद चल पड़े हैं बाकी जम्बूरी के एरिया को देखने के लिए। तो आप भी हमारे साथ चलते रहिए और देखते रहिए कि एरिना के बाद अब बाकी जो जम्बूरी का एरिया है वहाँ पे उनकी लिविंग कंडीशन। और जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये है जम्बूरी में मार्केट। तो दोस्तों ये है राजस्थान स्टेट का गेट जिसके पीछे राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो बच्चे हैं उनका लिविंग एरिया है। और जैसे कि आप ये हट्स देख सकते हैं इसी में जो स्काउट्स है वो ठहरते हैं और अपना जो रहते हैं उनका जिनका सामान इसी हट्स में है और नाइट को ये इसी हट्स में रहते हैं इसी हट्स में सोते हैं। और ये हट एक एक ग्रुप के हिसाब से एक एक टोली के हिसाब से जिसमें कि इस हट के अंदर आपको 8 से 9 स्काउट्स आपको रहते हुए दिखेंगे। तो राजस्थान के मेन गेट के बाद हर एक डिस्ट्रिक्ट के जो अपने अपने स्कूल हैं उनका भी आपको एक गेट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप ये देख सकते हैं ये जो गेट है आप जैसे देख सकते हैं ये कितना अट्रैक्टिव लुक है। तो बच्चे इसको अपने हिसाब से पायनियरिंग प्रोजेक्ट के थ्रू इनको तैयार करते हैं और ये पायनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ कुछ अलग अलग स्टेट्स के और कुछ डिस्ट्रिक्ट के गेट्स जिनको बच्चों ने बहुत ही अच्छा लुक देकर तैयार किया गया है। तो आइए देखते हैं।
तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये है सेकंड मार्केट जहाँ पर NHQ यानी नेशनल हेडक्वार्टर की शॉप है और बाकी भी आपको काफ़ी सारी शॉप्स यहाँ पे देखने को मिलेगी जहाँ से स्काउट्स परचेजिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अब आपको लेके चलता हूँ स्किलोरामा कंपटीशन की तरफ। जो ये स्किलोरामा जो कंपटीशन है ये जो बच्चे हैं ये अपनी स्किल को यूज़ करते हुए कुछ यूनिक आइडेंटिटी कुछ यूनिक आर्ट क्राफ्ट्स बनाते हैं जो कि देखने में बहुत अट्रैक्टिव हैं। तो ये जितना भी आप क्राउड देख रहे हैं ये सभी स्किलोरामा कॉम्पिटिशन के पार्टिसिपेट्स हैं। Hello.